कंट्रोल आर्म को समझाते हैं, ये कंट्रोल आर्म है, इसके ऊपर में स्प्रिंग बैठा है, इसके बाद में बियरिंग को बैठा कर रखा है, ये अपर पार्ट है कंट्रोल आर्म के, और ये हो गया आपका लोअर पार्ट, ये आउटर आपका बोल्ट है जो कि M16 90mm के होते हैं, और इनर का जो आपका बोल्ट लगा है M16 70 के लगते हैं। और इधर देखिए फिक्सन बॉल ज्वाइंट बोलते हैं, इस जगह में 3mm गैप हो जाने से आपका इसको रिजेक्ट करना पड़ता है। इधर देखिए स्टार्ट लगा है और ये स्टार्ट हो गया तो M20 100mm के, और ये आपका सिक्योरिटी प्लेट से मोड़ा हुआ है। इस जगह को बहुत गौर से देखना है और ये बहुत डेंजरस काम करते हैं, क्योंकि ये अगर लूज होता है तो बहुत बड़ा फेल्योर हो सकता है। ये कंट्रोल आर्म का काम होता है आपका फिक्स टैक्टिक फोर्स को संभालना, ब्रेकिंग फोर्स को संभालना, सभी इसी के ऊपर लोड आते हैं।